कल पूरी फोर्स और आर्मी लगा के इसको इस तरह कराया गया। जिस देश की आर्मी होती है वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, और उसको यहाँ पे लगा के, पुलिस को लगा के जो हमारे सुरक्षा में होना चाहिए उनको लगा के जबरियन ये रास्ता तोड़ा गया है। और हर धर्म के लिए ये गुरुद्वारा है। गुरु नानक जो थे वो एक खाली सिख कौम के नहीं थे, वो तो हर लोग उनको मानते थे, हर धर्म के मानने वाले उनको मानते थे। तो सर्व धर्म का ये गुरुद्वारा है, और इस तरह से ये रास्ता खोद के इनका ये रास्ता बंद कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, इस गुरुद्वारे को जो 58 का बना हुआ गुरुद्वारा है, इस पे आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा जो भी मेरी वीडियो को इसको देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सिख यहाँ पे पहुंचे। अभी तो करीबन 150 की तादाद पे लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके यहाँ पहुंचे। मेमोरा में ये गुरुद्वारा है, बहुत मशहूर गुरुद्वारा है, काफी पुराना गुरुद्वारा है, सिखों की बहुत आस्था इसके अंदर है। अगर ये मीडिया बंधु कोई मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके इसको अपने चैनल पे भी चलाएं, और अगर कोई कवरेज के लिए आना चाहे तो ये मेमोरा गांव में आ जाए। मैं निवेदन करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया करके आप लोग भी पहुंचे, और इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे, हिंद सरकार दीआं कटियां रणनीतियां कदे भी रुकण दा नाम नहीं लैंदियां। ओ लगातार अपनी चाल चलदे रहिंदे ने। हाल ही दे विच लखनऊ मेमोरा विखे एक पुरातन गुरु घर जो 1958 विच स्थापित किया गया सी, उस नूं बंद करन दा यतन किया गया। सरकार वल्लों वड्डे पद्धर दे उत्ते पुलिस फोर्स अते आर्मी लगा के इस गुरु घर दे सामने दा सारा रास्ता पट दिता गया, ते गुरु घर दे अंदर जाण दा रास्ता बंद करन दी कोशिश की गई। यह किस ने की, क्यों की, केड़ियां कोझियां चालां दे तहत की गई, इस दा अजे तक किसी ने भी सामने आके जवाब नहीं दिता। पर हाँ, इलाका वासियां ते सिख कौम दीआं धार्मिक भावनावां नूं जरूर तार तार कीता गया है, जिस करके सारी सारी आवाम हुण सिख कौम दे मोटे नाल मोटा ला के इस गुरु घर दे बाहर पहुँच रही है, खड़ी है, ता जो हिंद सरकार दीआं इन्हां माड़ियां नीतियां नूं मूँह तोड़ जवाब दिता जाए। आओ पहला इस वीडियो ते नज़र मारते हैं, बाकी दीआं गल्लां बाद विच करते हैं। सब आस पास जो है फार्म बने हुए हैं, सब सिखों के ही फार्म है। पीछे भी अगर आप देखेंगे वो मकान पीछे दिख रहा होगा। मगर अब जो है ये पता नहीं किसके आदेश पर ये जो रास्ता जो है जो 2004 में लोगों को दे दिया गया था, छोड़ दिया गया था, आज वो आमादा है कि इसको जो है ये रास्ता बंद कर दे। अब आप खुद सोचिए, इस गुरुद्वारे को जो 58 का बना हुआ गुरुद्वारा है, इस पे आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा जो भी मेरी वीडियो को इसको देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिख यहाँ पे पहुँचे। अभी तो करीबन 150 की तादाद पे लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके यहाँ पहुँचे। मेमोरा में ये गुरुद्वारा है, बहुत मशहूर गुरुद्वारा है, काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है, सिखों की बहुत आस्था इसके अंदर है, और हर धर्म के लिए ये गुरुद्वारा है। गुरु नानक जो थे वो एक खाली सिख कौम के नहीं थे, वो तो हर लोग उनको मानते थे, हर धर्म के मानने वाले उनको मानते थे। तो सर्व धर्म का ये गुरुद्वारा है, और इस तरह से ये रास्ता खोद के इनका ये रास्ता बंद कर दिया गया। अगर ये मीडिया बंधु कोई मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके इसको अपने चैनल पे भी चलाएं, और अगर कोई कवरेज के लिए आना चाहे तो ये मेमोरा गांव में आ जाए। ये सब प्रबुद्ध लोग जो हैं लखनऊ के, ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह से ही बैठे हुए हैं। कल पूरी फोर्स और आर्मी लगा के इसको इस तरह कराया गया। जिस देश की आर्मी होती है वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, और उसको यहाँ पे लगा के, पुलिस को लगा के जो हमारी सुरक्षा में होना चाहिए उनको लगा के जबरियन ये रास्ता तोड़ा गया है। मैं निवेदन करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया करके आप लोग भी पहुंचे, और इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे। हम लोगों ने, अब बताइए कैसी सरकार चुनी है। अब देखिए रातों रात ये देखिए ये पिलर खड़े कर दिए गए, ये देख रहे हैं रातों रात जबरियन ये पिलर खड़े करके। अब ये दीवार जो है इस पिलर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो पीछे की दीवार अगर आपको दिख रही हो तो इस तरह से ये दीवार पूरी है। ये मेन गेट का ही पूरा गुरुद्वारा, वो व्हाइट कलर से लेके ये पूरे गुरुद्वारे का ही रास्ता, और अब देखिए पूरी तरह से जो है अब इसको बंद करने में आमादा है, और मेन गेट यही है, और कोई आने जाने का रास्ता इधर को नहीं है। इनका ये कहना है कि आप देखिए कहाँ से आप रास्ता लेंगे। अब चूंकि ये अगर मेन गेट यहाँ पे लग जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि गुरुद्वारे में कैसे आएंगे जाएंगे,
गुरुद्वारे में सेवा कैसे हो पाएगी। ये हाल है, ये गुरुद्वारा साहब है, अभी काफी लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, बात हो रही है, बाबा जी वहाँ बैठे हुए हैं, जो जो सुन रहा है वो आ रहे हैं, काफी बड़ा है, ये लंगर हाल बना हुआ है यहाँ पे। काफी पुराना गुराना है, सन 58 का बना हुआ ये गुरुद्वारा है, और आज की डेट में इस तरह से ये जो जो सुन रहा है वो चला आ रहा है। अभी तक हम लोग जो है, ये देखिए गुरुद्वारा साहब है, स्थापित है गुरुद्वारा साहब, काफी सालों से यहाँ पे स्थापित है, गुरु महाराज की सवारी पड़ी हुई अंदर। मैं निवेदन करूंगा जो अगर कोई हमारी आवाज योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा सके, योगी जी मोदी जी तक पहुंचा सके, राजनाथ सिंह जी तक पहुंचा सके, किस तरह से ये गुरुद्वारे का निर्माण सन 58 में हुआ था, और डॉक्टर ओंकार सिंह जो लखनऊ में मशहूर डॉक्टर हैं, उन्हीं के पिताजी द्वारा ये जमीन दान की गई थी। काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है, देखिए आप, सन 64 में यहाँ पे छावनी आई है, तो पहले ये गुरुद्वारा था और ये सबको पता था, आर्मी को भी पता होना चाहिए रास्ता है, और इससे कौन सी सिक्योरिटी उनकी खराब हो रही है। यहाँ तो धार्मिक आस्था वाले ही लोग आएंगे, यहाँ पे तो जो गुरु जी को मानने वाले वही लोग आएंगे मत्था टेकने के लिए। आप देखिए भीम सिंह जी हैं, आप काफ़ी पुराने हैं, आलमबाग गुरुद्वारे में भी आप सेवा कर चुके हैं, इस समय वर्तमान में भाई लालो जी गुरुद्वारा जो VIP रोड पे वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे आप इनके लिए, इस समय क्या स्थिति है बताइए जरा, आप भी थोड़ा प्रकाश डालो, तुसे पुराने बंदे हो, जरा जानकार है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जो जानते हो बोलो, चलो ले आओ, जो जानते हो बोलो। ये गुरुद्वारा काफी साल से देखते आ रहे हैं, बहुत साल से देखते आ रहे हैं, गुरुद्वारा पहले बहुत पहला बना हुआ है, पहले तो यहाँ बहुत ही आस पास में बहुत बड़ा था, छोटी रोड थी, बच्चे बच्चे सफाई की है, बहुत अच्छा बना गया है यहाँ। अब बताइए जो यहाँ संगत आएगी तो मत्था टेकना है, कहाँ पर आएगी, जरा सबक कर देंगे तो इनका रास्ता या सपना बहुत बनाए रास्ता इनका नक्शे में है, तो अपना नक्शे को देखें सब रास्ता बनाए, या गुरुद्वारे का रास्ता तो छोड़ें, घर में थार है तो है नहीं कि किसी अपना घर है किसी के है, और इससे ज़्यादा हम क्या करें, आप देखते रहे हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे आ गए हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, और भी जो जो सुन रहा है वो चला आ रहा है यहाँ पे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कृपया करके निजेंद्र सिंह सिरसा जी अगर मेरी वीडियो ये देख रहे हों, वो काफ़ी मुखर होते हैं, बताते हैं अपने आप को कि हम बहुत मुखर रहते हैं, तो ये देखें कि यहाँ पे इस समय ये हम ये भारतवर्ष की वीडियो है, ये कहीं विदेश की वीडियो नहीं है। यहाँ पे इस तरह से इस रास्ते को पूरी तरह से, ये मेन गेट है आने का, यही एक रास्ता, एकमात्र रास्ता यही है इसका, इसको इस तरह से ये रोक दिया गया है, और ये पूरी, ये तो चलिए थोड़ा सा इन्होंने कल अवरोध हुआ जो कई लोग पहुंच गए थे, उस कारण ये रास्ता थोड़ा सा रह गया आने जाने के लिए, बाकी तो इन्होंने पूरा JCB लगा के इसको खोद ही दिया था। तो अभी DM साहब या ADM साहब कोई अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अगर मीडिया का साथी कोई इसको देख रहा हो तो कृपया करके कवरेज हेतु यहाँ पे भेज दें, और हमारी जो आवाज़ है, जो चौथा स्तंभ है मीडिया, हम जो ये सिखों के धार्मिक स्थान है, ये आस्था का स्थान है, इस स्थान के जो मेन गेट को है इसको बचाने के लिए अपनी आवाज़ बने, हम लोगों की आवाज़ बने, और सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाए कि ये किस तरह से ऐसा हो रहा है, अंग्रेजों का शासन चल रहा है या मुगलों का शासन चल रहा है, उस समय भी हम समझते हैं कि इस तरह से नहीं हुआ होगा जो इस तरह से वर्तमान सरकार में हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार का कोई प्रतिनिधि अगर मेरी वीडियो को देख रहा हो तो कृपया करके योगी जी तक, आगे मोदी जी तक और राजनाथ सिंह जी तक ये बात पहुँचाए कि ये देखिए आपके रहते हुए किस तरह से एक जो सर्वधर्म है, जिसने अभी लॉकडाउन में ही आप देख लीजिए कुर्बानियों के अलावा लॉकडाउन में जितने गुरुद्वारों के में लंगर खुल गए थे, जो मजदूर श्रमिक बाहर से आ रहा था उनके लिए लंगर लगा दिए गए थे, हम ऐसी कौम हैं
हम लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। इस देश के हर तरह की तरक्की में, टैक्स में, हर तरह में हम लोगों का योगदान रहता है, और हमारे ही गुरुद्वारों को इस तरह से आगे से बंद कर दिया जाए तो हम क्या माने, ये मुगलों की सरकार है या अंग्रेजों की सरकार चल रही है? ये देख लीजिए, सब लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब किसान हैं, कोई बिजनेसमैन है, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग भी जो मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचें, और इस जो गुरुद्वारा है, ये सर्वधर्म का ये गुरुद्वारा है, ये अल्लाह का भी घर है, ये राम का भी घर है, ये वाहेगुरु का भी घर है। तो इस घर को के जो रास्ते को रोका जा रहा है, इसके अवरोध के लिए आप जिस धर्म के भी हों, कृपया करके यहाँ पे पहुँचें, और जो हमारा संवैधानिक हक है अपनी बात रखने का, उसके तहत हम अपनी बात यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रशासन शासन को बताएं, ताकि हम लोग को ये सिर्फ ये रास्ता, ये गुरुद्वारे का रास्ता छोड़ दें, जो 2004 में इन्होंने छोड़ दिया था, उसी स्थिति को बहाल रखें और ये रास्ता जो है बना रहे। ये लखनऊ के सिखों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, और ये मेन गेट, इसी गेट से ही ये रास्ता निकलता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पहुंचे, और मीडिया बंधुओं को अगर हो सके तो सूचना दे दें। मैं यहीं पे हूँ, जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं। ओके, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। गुरु प्यारे, अंत तक कोई गल कहना चाहेंगे? सरकार जिन्हें मर्जी जोर लगा रहे, सिख कौम के गुरु घरां नूं ढा लाण दी, सिख कौम नूं ढा लाण दी, पर ये कौम वो कौम है अयोध्या जरनैलां दी, जिस नूं कदे ढा नहीं लग सकती। पर हाँ, जे हुण फिर तो भारत सरकार पंजाब दी जवानी नूं, किसानी नूं तंग करन ते उतारू हो ही गई है, तानाशाही रवैया अपना रही है, तो फिर अजिहियां सरकारां नूं याद रखना चाहीदा है कि जिसने भी अपनी आवाम नूं तंग कीता है, उसका तख्ता पलट होया ही होया है, क्योंकि कोई भी तानाशाह अजिहा नहीं जो बहुत लंबे समय तक राजभाग भोग सकया होवे। सब आसपास जो है फार्म बने हुए हैं, सब सिखों के ही फार्म है। पीछे भी अगर आप देखेंगे, वो मकान पीछे दिख रहा होगा, मगर अब जो है ये पता नहीं किसके आदेश पर ये जो रास्ता जो है, जो 2004 में लोगों को दे दिया गया था, छोड़ दिया गया था, आज वो आमादा है कि इसको जो है ये रास्ता बंद कर दे। अब आप खुद सोचिए, इस गुरुद्वारे को जो 58 का बना हुआ गुरुद्वारा है, इस पे आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा, जो भी मेरी वीडियो को इसको देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिख यहाँ पे पहुँचे, अभी तो करीबन 150 की तादाद पे लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप भी लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके यहाँ पहुँचे। मेमोरा में ये गुरुद्वारा है, बहुत मशहूर गुरुद्वारा है, काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है, सिखों की बहुत आस्था इसके अंदर है, और हर धर्म के लिए ये गुरुद्वारा है। गुरु नानक जो थे वो एक खाली सिख कौम के नहीं थे, वो तो हर लोग उनको मानते थे, हर धर्म के मानने वाले उनको मानते थे। तो सर्व धर्म का ये गुरुद्वारा है, और इस तरह से ये रास्ता खोद के इनका ये रास्ता बंद कर दिया गया। अगर ये मीडिया बंधु कोई मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो कृपया करके इसको अपने चैनल पे भी चलाएं, और अगर कोई कवरेज के लिए आना चाहे तो ये मेमोरा गांव में आ जाए। ये सब प्रबुद्ध लोग जो है लखनऊ के, ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह से ही बैठे हुए हैं। कल पूरी फोर्स और आर्मी लगा के इसको इस तरह कराया गया। जिस देश की आर्मी होती है वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, और उसको यहाँ पे लगा के, पुलिस को लगा के, जो हमारी सुरक्षा में होना चाहिए उनको लगा के जबरियन ये रास्ता तोड़ा गया है। मैं निवेदन करूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया करके आप लोग भी पहुंचे, और इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे। हम लोगों ने, अब बताइए कैसी सरकार चुनी है, रातों रात ये देखिए ये पिलर खड़े कर दिए गए, ये देख रहे हैं, रातों रात जबरियन ये पिलर खड़े करके। अब ये दीवार जो है, इस पिलर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो पीछे की दीवार अगर आपको दिख रही हो, तो इस तरह से ये दीवार पूरी है। ये मेन गेट का ही पूरा गुरुद्वारा, वो व्हाइट कलर से लेके ये पूरे गुरुद्वारे का ही रास्ता, और अब देखिए पूरी तरह से जो है अब इसको बंद करने में आमादा है, और मेन गेट यही है, और कोई आने जाने का रास्ता इधर को नहीं है। इनका ये कहना कि आप देखिए कहाँ से आप रास्ता लेंगे। अब चूंकि ये अगर मेन गेट यहाँ पे लग जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि गुरुद्वारे में कैसे आएंगे जाएंगे, गुरुद्वारे में सेवा कैसे हो पाएगी। ये हाल है, ये गुरुद्वारा साहब है,
अभी काफ़ी लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, बात हो रही है, बाबा जी वहाँ बैठे हुए हैं, जो जो सुन रहा है वो आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा है ये लंगर हॉल बना हुआ है यहाँ पे। काफ़ी पुराना गुराना है, 1958 का बना हुआ ये गुरुद्वारा है और आज की डेट में इस तरह से ये जो जो सुन रहा है वो चला आ रहा है। अभी तक हम लोग जो है ये देखिए गुरुद्वारा साहब है और स्थापित है गुरुद्वारा साहब, काफ़ी सालों से यहाँ पे स्थापित है। गुरु महाराज की सवारी पड़ी हुई अंदर। मैं निवेदन करूँगा जो अगर कोई हमारी आवाज़ योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचा सके, योगी जी मोदी जी तक पहुँचा सके, राजनाथ सिंह जी तक पहुँचा सके कि इस तरह से ये गुरुद्वारे का निर्माण 1958 में हुआ था और डॉक्टर ओंकार सिंह जो लखनऊ में मशहूर डॉक्टर हैं उन्हीं के पिताजी द्वारा ये ज़मीन दान की गई थी। काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है, देखिए आप। सन 1964 में यहाँ पे छावनी आई है तो पहले ये गुरुद्वारा था और ये सबको पता था, आर्मी को भी पता होना चाहिए रास्ता है। और इससे कौन सी सिक्योरिटी उनकी ख़राब हो रही है? यहाँ तो धार्मिक आस्था वाले ही लोग आएंगे, यहाँ पे तो जो गुरु जी को मानने वाले वही लोग आएंगे मत्था टेकने के लिए। आप देखिए भीम सिंह जी हैं, आप काफ़ी पुराने हैं, आलमबाग गुरुद्वारे में भी आप सेवा कर चुके हैं। इस समय वर्तमान में भाई लालो जी गुरुद्वारा जो VIP रोड पर वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे आप इनके लिए? इस समय क्या स्थिति है बताइए जरा, आप भी थोड़ा प्रकाश डालो, तुसे तो पुराने बंदे हो, जरा जानकार है बोले, कोई दिक्कत नहीं, जो जानते हो बोलो, चलो ले आओ, जो जानते हो बोलो। ये गुरुद्वारा काफी साल से देखते आ रहे हैं, बहुत साल से देखते आ रहे हैं, गुरुद्वारा पहले बहुत पहले बना हुआ है, पहले तो यहाँ बहुत में बहुत बड़ा अच्छा था, छोटी रोड थी, बच्चे बच्चे सफाई की है, बहुत अच्छा बढ़िया है यहाँ। अब बताइए जो यहाँ संगत आएगी तो मत्था टेकना आएंगे कहाँ पाएंगे, रास्ता बंद कर देंगे लोग, जो इनका रास्ता या तो अपना वहाँ फलाए रास्ता इनका नक्शे में है तो अपना नक्शे को देखें तब रास्ता बनाएं, या गुरुद्वारे का रास्ता तो छोड़ें, घर में थार है तो है नहीं कि किसी अपना घर है किसी के वो है, और इससे ज़्यादा हम क्या कहें, आप देखते रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे आ गए हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं और भी जो जो सुन रहा है वो चला आ रहा है यहाँ पे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कृपया करके मिजेंद्र सिंह सिरसा जी अगर मेरी वीडियो ये देख रहे हों, वो काफ़ी मुखर होते हैं, बताते हैं अपने आप को कि हम बहुत मुखर रहते हैं, तो ये देखें कि यहाँ पे इस समय ये हम ये भारतवर्ष की वीडियो है, ये कहीं विदेश की वीडियो नहीं है। यहाँ पे इस तरह से इस रास्ते को पूरी तरह से ये मेन गेट है आने का, यही एक रास्ता, एकमात्र रास्ता यही है इसका, इसको इस तरह से ये रोक दिया गया है। और ये तो चलिए थोड़ा सा इन्होंने कल अवरोध हुआ जो कई लोग पहुंच गए थे उस कारण ये रास्ता थोड़ा सा रह गया आने जाने के लिए, बाकी तो इन्होंने पूरा JCB लगा के इसको खोद ही दिया था। तो अभी DM साहब या ADM साहब कोई अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, तो मैं निवेदन करूँगा अगर मीडिया का साथी कोई इसको देख रहा हो तो कृपया करके कवरेज हेतु यहाँ पे भेज दें, और हमारी जो आवाज़ है जो चौथा स्तंभ है मीडिया, हम जो ये सिखों के धार्मिक स्थान है, ये आस्था का स्थान है, इस स्थान के जो मेन गेट को है इसको बचाने के लिए अपनी आवाज़ बने, हम लोगों की आवाज़ बने और सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाए कि ये किस तरह से ऐसा हो रहा है। अंग्रेजों का शासन चल रहा है या मुगलों का शासन चल रहा है, उस समय भी हम समझते हैं कि इस तरह से नहीं हुआ होगा जो इस तरह से वर्तमान सरकार में हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार का कोई प्रतिनिधि अगर मेरी वीडियो को देख रहा हो तो कृपया करके योगी जी तक, आगे मोदी जी तक और राजनाथ सिंह जी तक ये बात पहुँचाए कि ये देखिए आपके रहते हुए किस तरह से एक जो सर्वधर्म है, जिसने अभी लॉकडाउन में ही आप देख लीजिए कुर्बानियों के अलावा लॉकडाउन में जितने गुरुद्वारों के में लंगर खुल गए थे, जो मजदूर श्रमिक बाहर से आ रहा था उनके लिए लंगर लगा दिए गए थे। हम ऐसी कौम हैं, हम लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, इस देश के हर तरह की तरक्की में, टैक्स में, हर तरह में हम लोगों का योगदान रहता है, और हमारे ही गुरुद्वारों को इस तरह से आगे से बंद कर दिया जाए
तो हम क्या माने, ये मुगलों की सरकार है या अंग्रेजों की सरकार चल रही है? ये देख लीजिए, सब लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब किसान हैं, कोई बिजनेसमैन है, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग भी जो मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे पहुंचे। और इस जो गुरुद्वारा है, ये सर्वधर्म का ये गुरुद्वारा है, ये अल्लाह का भी घर है, ये राम का भी घर है, ये वाहेगुरु का भी घर है। तो इस घर को के जो रास्ते को रोका जा रहा है, इसके अवरोध के लिए आप जिस धर्म के भी हों, कृपया करके यहाँ पे पहुँचे। और जो हमारा संवैधानिक हक है अपनी बात रखने का, उसके तहत हम अपनी बात यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रशासन शासन को बताएं, ताकि हम लोग को ये सिर्फ ये रास्ता, ये गुरुद्वारे का रास्ता छोड़ दें, जो 2004 में इन्होंने छोड़ दिया था, उसी स्थिति को बहाल रखें और ये रास्ता जो है बना रहे। ये लखनऊ के सिखों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, और ये मेन गेट, इसी गेट से ही ये रास्ता निकलता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पहुंचे, और मीडिया बंधुओं को अगर हो सके तो सूचना दे दें। मैं यहीं पे हूँ, जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं। ओके, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। एक पासे पंजाब दे विच किसान मूवमेंट शिखरां ते ते, दूसरे पासे अजिहियां घटिया साजिशां कीतियां जा रहियां ने, जिस दे नाल पंजाब दी जवानी दा, किसानी दा ध्यान किसान मोर्चियां तों भटकाया जा सके। पर असी भटकण वाले नहीं, असी भटकण वाले हाँ, ते हर घटिया हरकत ते भारत सरकार नूं भटकणी मिलेगी ही मिलेगी। तो इस सब इस मसले ते की सोचते हैं, अपने विचार नीचे कमेंट्स दे विच जरूर देना। वीडियो चंगी लगी होवे लाइक ते शेयर भी जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म दी हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुणे सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।